हाय एवरीवन आई वेलकम यू टू दी वे टू हील यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप 2021 ट्वेंटी वन में यानी कि 2021 में ए एम और जामिया कैसे क्रैक करेंगे क्योंकि यार आप सबको पता है हज़ारों स्टूडेंट एंट्रेंस देते हैं और सिलेक्शन सिर्फ कुछ का होता है और बिलीव मी मेरा ये तजुर्बा है कितने सालों से मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं कि जिनका सिलेक्शन होता है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं वो, वो टॉपर्स होते हैं ऐसा कुछ नहीं है पता है नॉर्मल बच्चों का सिलेक्शन होता है हम और आप जैसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है बट कुछ चीज़ें होता है जो वो लोग फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होता है आप अगर देखेंगे ना स्टिस्टिक्स उठा करके या किसी बच्चे से पूछेंगे जो जिनका सिलेक्शन हुआ है ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत एस्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कोई मैं बार बार बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या कोई टॉपर्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है आप और हमारे तरह किसी भी नॉर्मल इंसान का सिलेक्शन हो सकता है उसके लिए यार बस प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है चीज़ों को पता होने की ज़रूरत है कि क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या पढ़ना है मतलब पता है बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा जिसको हमें जानना जरूरी है जैसे कि हमें क्या नहीं पढ़ना ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है हम लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं कई बार इसलिए हमें फिर मुश्किल होने लगता है और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ें कितना पढ़ें कितने मंथ्स का पढ़ें चूँकि करंट अफेयर आपका अच्छा खासा रोल प्ले करता है जो कि आप लोग आप में से ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं कहाँ से पढ़ें आपको आइडिया नहीं मिल पाता है तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो चाहे तो आप नोट कर लें आप अपने अच्छे से ध्यान से सुन सुनने इसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने यहाँ एएमयू जामिया का नाम लिया है बट सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये की पॉइंट्स हो सकते हैं एक मतलब एक ये पॉइंट्स आप अगर याद रखें यह एक फैक्टर हो सकता है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए तो ये चीज़ यार आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बिल्कुल अच्छे से सुनने की ज़रूरत है तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना हमारे एंट्रेंस में अगर आप किसी भी एंट्रेंस में किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हो किसी भी कॉम्पिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखना है यार सिलेबस आपको चेकआउट करना है सिलेबस आपको अच्छे से ध्यान देना है अच्छे से बल्कि इतना अच्छे से सिलेबस पढ़ना है कि सिलेबस आपको याद हो जाए आपके जहन में चीजें होगी कौन सा टॉपिक आ रहा है किस सब्जेक्ट से आ रहा है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए यार इसके लिए मैंने रिसेंटली दो तीन दिन पहले अभी जामिया सिलेबस कैसे चेक करें उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर और मैं इस वीडियो के एंड पे भी वो वीडियो दे दे दूंगा आप वो देख लेना हाँ कुछ बच्चों का कंसर्न है कि कुछ कोर्सेज का सिलेबस नहीं शो हो रहा है तो यार वो अभी जामिया की तरफ से अपलोड नहीं हुआ है वो लास्ट ईयर से हटा हुआ है तो उसके लिए यार कुछ मैं भी नहीं कर सकता आपको पता है जब यूनिवर्सिटी ने नहीं, नहीं दिया है तो उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ बट जिसका अगर सिलेबस अवेलेबल है आप एक बार जाकर चेकआउट करें उस वीडियो में देखें कैसे चेक करना है मैंने अच्छे से बता दिया है और ए एम यू का भी मैं जल्दी बता दूंगा तो आपको फोकस करना है सिलेबस पे अच्छे से पढ़ना है मैं बार बार बता रहा हूँ सिलेबस को मतलब आपको ना याद कर लेना है क्या चीज़ें आ रहा है क्या चीज़ें नहीं आ रहा है आपको क्या पढ़ना है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है सिलेबस के बाद आपको जो दूसरा काम करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है आपको पेपर को देखना है अच्छे से एनालाइज करना है क्या चीज़ें आ रहा है किस टॉपिक से पूछा जा रहा है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितना डेप्थ है क्वेश्चन का यह सारी चीज़ें आपको एनालाइज करना है वो एक साल के पेपर से नहीं होगा कि आपने एक साल का पेपर उठाया पढ़ लिया हो गया ऐसा नहीं है कई साल के पेपर को उठाओ उसको पढ़ो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना अब मैं वहां भी कई सारा पेपर डाल दिया और भी मैं डालने की कोशिश करूंगा यार सारा पेपर वहां अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा

यार पता है बच्चे कई क्या गलती करते हैं कई बुक को चूज़ करते हैं फिर उसको पढ़ने लगता है डिफरेंट रिसोर्सेज पढ़ते तो ऐसा नहीं कोई एक दो रिसोर्स से पढ़ो और उसको अच्छे से पढ़ो मल्टीपल रिवीजन करो मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपको एंट्रेंस देने से पहले कॉम्पटिशन से बैठने से पहले आपको मल्टीपल रिवीज़न करने की जरूरत है मतलब बहुत बार रिवीज़न करने की ज़रूरत है वो इसलिए यार कि देखो होता क्या है ना हमें दो चीज़ें सिर्फ याद रहती है एक तो जो हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ रहे होते हैं या फिर मल्टीपल रिविज़न कर रहे होते हैं अगर कोई चीज़ आप बस थोड़ी देर के लिए पढ़ा होगा आपने एक बार पढ़ा होगा तो वो आपको याद नहीं रहेगा तो यार देखो एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारी चीज़ें पढ़ना पॉसिबल तो है नहीं ऐसा आप कर नहीं सकते कि एग्ज़ाम से पहले एक सारी चीज़ें पढ़ लिए वो यार कैसे पॉसिबल है जैसे कि जो आप एनुअल अपना एग्जाम्स देते हो या सेमेस्टर एग्जाम्स देते हो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल हो आप पेपर को पास करने के लिए वो एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें तो पॉसिबल है बट किसी भी एंट्रेंस के लिए किसी भी कॉम्पिटिव एग्ज़ाम के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन पहले पढ़ो तो आपको क्या करना मल्टीपल रिविज़न करना है ठीक है मल्टीपल रिवीज़ करना बहुत जरूरी है तभी आपको चीज़ें याद रहेगी ये बात ख्याल रखें अलग अलग रख सोर्स से न पढ़ के कोई एक बुक कोई एक कौन साइज बुक कोई एक कौन साइज मटेरियल जो आप उठाते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें उसका नोट्स बनाए और उसको रिविज़न करते रहें बार बार ताकि आप चीज़ें भूलेंगे नहीं रिविजन का सबका अलग अलग अपना अपना तरीका है उस तरीके को अपनाएं अगर आपको लगता है कि इफेक्टिव रिविजन कैसे है उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप बता देना मैं वो भी बन, बता दूंगा अब यार लास्ट में हम लोग बात करने वाले करंट अफेयर कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें देखिए करंट अफेयर कितना पढ़ें कि जहाँ तक बात है तो यार कम से कम मेरे हिसाब से ना आप आठ नौ महीने का करंट अफेयर पढ़ लो मतलब आपके एंट्रेंस होने तक पीछे के जितने आठ महीने का करंट अफेयर है वो अच्छे से पढ़ो मतलब हर चीज़ें पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है और फिर आपके कोर्स के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि किस टॉपिक से ज्यादा आएगा आपको कोर्स वाइज मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं कोर्स वाइज वीडियोस बनाता हूं ये वीडियो कॉमन होने वाला है सारे बच्चों के लिए सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कोर्स का तो उसके लिए कॉमन हो रहा है तो करंट अफेयर आपको यार सात से आठ महीना नौ महीने का सात तो नहीं बल्कि आठ नौ महीने का आप करंट अफेयर पढ़ लें करंट अफेयर में स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं हैंट्स जो गलती करते हैं वो ये है कि वो एक बार उठा लाते हैं जैसे कि महीने अब जैसा कि एंट्रेंस का दो महीना बचा सपोज कर लो आपका जून में एंट्रेंस है तो वो अप्रैल में मई में उठा लाते हैं सारा करंट अफेयर आठ मेने, नौ महीने का और वो पढ़ना फिर शुरू कर देते हैं ऐसे नहीं करना है आपको थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें आपको डेली बेसिस में पढ़ना है मतलब कि ऑन अ डेली बेसिस आपको चीज़ें करना है तब हो पाएगा उसके लिए आप किसी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं किसी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं और फिर आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे से करंट अफेयर करा रहे हैं अब यहाँ मैं एक दो का किसी का नाम नहीं लूँगा आप लोगों को भी पता है अगर आपको पूछना तो इंस्टाग्राम में भी पूछ लेना बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अच्छे से बिल्कुल डेप्थ में चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो करंट अफेयर आप वहाँ से भी कर सकते हैं और टॉपिक्स है उसको आप यूट्यूब से कवर करें गूगल से कवर करें आप अलग कोई एक बुक से कवर करें कोई एक दो सोर्स से करें बट अच्छे से करें बिल्कुल चीज़ों को एनालिसिस करें और पढ़ना शुरू करें ये सारी बातों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ यार कि आप इजीली एंट्रेंस निकाल ले जाओगे मैं सच बता रहा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों के अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना होता है मैं बार बार बता रहा हूँ यार आस्पेरेंट करते हैं कि पढ़ते कम है चीज़ों को इधर उधर ज़्यादा करते हैं और एक बात यार जो मैं बताना यहाँ भूल गया था जस्ट स्टिक टू दिलेबस एंड टेक्स्ट बुक ये बहुत ज़रूरी है टेक्स्ट बुक पढ़ना आपको ज़रूरी है सिलेबस में स्टिक होना जरूरी है कुछ भी बच्चे पढ़ लेते हैं ये मैं अगर बार बार कह रहा हूँ ना तो आई मीन इट आई रियली मीन इट कि कुछ भी नहीं पढ़ना एंड स्टिक टू द टेक्स्ट बुक यार बच्चे पता नहीं मुझे नहीं समझ आता आजकल अस्पेरेंट आजकल बच्चे टेक्स्ट बुक क्यों नहीं पढ़ते हैं मतलब किताबें क्यों नहीं पढ़ते हैं? किताबें हैं पढ़ना है सिर्फ वीडियोस देखने से आपका इंटरेस्ट नहीं निकलता है आई नो ये थोड़ा सा हार्श रहा है लेकिन यार ये बताना ज़रूरी था कितने बच्चों को मैंने पिछली बार देखा जिसका मुझे लग रहा था कि नहीं इनका एंट्रेंस निकल जाएगा अच्छे बच्चे थे लेकिन उनका नहीं निकला रीजन यही है एक स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास आप मतलब चीज़ें करना नहीं चाहते और मतलब लेजीनेस है बस जैसे चल रहा है जिंदगी चलने तो होगा तो होगा नहीं होगा किसका क्या जाएगा तो ऐसे नहीं करना आपको चीज़ों को चीज़ों को सीरियसली लेने की जरूरत है और जाके फोड़ दो यार सो यार देट इज़ फॉर टूडे प्लीज स्टे कनेक्टेड कीप ग्रोइंग थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर